नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको आज ही के दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं के बारे में बताऊंगी। तो आइए पूजा। आज के दिन 1840 में यूनाइटेड किंगडम ने पहला आधिकारिक डाक टिकट जारी किया था। पेनी ब्लैक दुनिया की पहली चिपकने वाली डाक टिकट थी, जिसका प्रयोग सार्वजनिक डाक प्रणाली में किया गया था। इसे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम द्वारा 1 मई 1840 को जारी किया गया था, ताकि इसका प्रयोग उसी वर्ष 6 मई से किया जा सके। आज के दिन 1851 में रानी विक्टोरिया ने लंदन में ग्रेट एग्जीबिशन खोली थी। आज के दिन 1886 में अमेरिका के शिकागो में रोजाना 8 घंटे काम करने की मांग कर रहे श्रमिकों ने हड़ताल की थी। तब से पूरी दुनिया में 1 मई को श्रमिकों के अधिकारों के लिए रैलियां और प्रदर्शनों का सिलसिला चलने लगा। दरअसल साल 1877 में मजदूरों ने अपने काम के घंटे तय करने की अपनी मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका में लाखों मजदूरों ने एकजुट होकर इस मुद्दे को लेकर हड़ताल की थी। इस हड़ताल में लगभग 11,000 फैक्ट्रियों के 3,80,000 मजदूर शामिल हुए थे। आज के दिन 1914 में कार निर्माता फोर्ड वह पहली कंपनी बनी जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू किया था। आज के दिन 1960 में महाराष्ट्र को राज्य घोषित किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को विभक्त करके दो अलग अलग राज्य बना दिए गए थे। आज के दिन 1930 में भारत में मई दिवस मनाने की शुरुआत सन 1923 में चेन्नई में हुई थी। इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहां 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह ऐलान किया गया था कि हेमाक्रेट नरसंहार में मारे गए मजदूरों की याद में हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इस दिन कामगारों के अवकाश का भी ऐलान किया गया था। भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत चेन्नई से हुई थी। आज के दिन 2011 में बराक ओबामा ने घोषणा की थी कि 11 सितंबर के धमाके का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया है। आज के दिन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज के दिन 1956 में जोनसा सल्क द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी। आज के दिन 1 मई को दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस और मजदूर दिवस भी कहा जाता है। ये दिन पूरी तरह श्रमिकों को समर्पित है। इस दिन भारत समेत कई देशों में मजदूरों की उपलब्धियों को और देश के विकास में उनके योगदान को सलाम किया जाता है। ये दिन मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है।